आज हम क्लास नाइन्थ का पॉलिनोमियल चैप्टर सेकंड पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए और ईमानदारी से इसको समझने की कोशिश करिए। लेट्स स्टार्ट चैप्टर टू क्लास नाइन पॉलिनोमियल। देखो बेटा, पॉलिनोमियल डायरेक्ट पॉलिनोमियल पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले ये जानो कि पॉलिनोमियल कहां से आया और कैसे आया। इस पॉलिनोमियल को समझने के लिए दो चीजें हमें जरूरत पड़ी, एक पड़ा वेरिएबल और एक दूसरा पार्ट पड़ा इसका कांस्टेंट। कांस्टेंट वेरिएबल हुज वैल्यूज नॉट फिक्स्ड। एग्जाम्पल के लिए जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं एक्स वाई जेड एंड सो ऑन, एंड कॉन्स्टेंट क्या हुआ, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, हूज वैल्यूज फिक्स्ड। क्लियर? जैसे 1, 2, 0, 4, 5 एंड सो ऑन। अब इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से इस वेरिएबल और कांस्टेंट जो क्लास एट में आपने पढ़ा था, बना था हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, ये क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट बाई फंडामेंटल ऑपरेशन, दैट मीन्स प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल और कॉन्स्टेंट, इस फंडामेंटल ऑपरेशन के द्वारा जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एक्स प्लस फाइव, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, एक्स भी एक और एक्स इंटू टू, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, एक्स डिवाइड बाई टू आर एक्स बाई टू, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। अब इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की कंडीशंस होती है बेटा क्या, कि इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के द्वारा हम अलग अलग तरीके के पॉलिनोमियल्स को सीखेंगे, पॉलिनोमियल अलग अलग तरीके के हो जाएंगे। तो कंडीशन क्या होगी बेटा, कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना कहां से, आप ये कम से कम आने के लिए जानने के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। इनमें कुछ टर्म के रिगार्डिंग आते हैं, टर्म में आता है मोनोमियल, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल, इसके बाद क्वाड्रिनोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल, नोनानोमियल, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से मोनोमियल मींस एन एक्सप्रेशन, एंड एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म, हैविंग वन टर्म, एंड एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म कॉल्ड बाइनोमियल, एंड एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म कॉल्ड मोनोमियल, ट्राइनोमियल थ्री टर्म, थ्री टर्म एक्स अट्रैक, वही फंडामेंटल ऑपरेशन को यूज करके। क्वाड्रिनोमियल मींस फोर टर्म, फोर टर्म। जब आप इतना जान गए तो अब इसी कंडीशन से आ जाता है हमारा, इसी मोनोमियल, ये बाइनोमियल, ये ट्राइनोमियल, ये क्वाड्रिनोमियल, ये सब के सब कहलाते हैं पॉलिनोमियल, यही सब कहलाते हैं पॉलिनोमियल। कहने का मतलब एंड
एक्सप्रेशन दैट आर हैविंग वन आर मोर टर्म इज कॉल्ड पॉलीनोमियल. एंड एक्सप्रेशन दैट आर हैविंग वन आर मोर टर्म इज कॉल्ड पॉलीनोमियल. क्लियर? मींस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलीनोमियल ए जीरो एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स पावर एन टू एन माइनस वन प्लस ए एन एंड सो ऑन प्लस ए एन वेयर एन मीन्स एक्सपोनेंट और पावर इसी को हम एक्सपोनेंट कहते हैं. एन को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट. और ये एक्सपोनेंट हमेशा वन से बड़ा होता है या वन के इक्वल होता है. क्लियर? समझ में आ रहा होगा बड़े अच्छे से. क्लियर? तो जहां पर और ये नॉन निगेटिव होते हैं, क्या होते हैं? नॉन निगेटिव. क्या होते हैं? नॉन निगेटिव. कहने का मतलब एन एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल की डिफिनेशन अगर पूछा जाए, एन एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन विच आर हैविंग वन आर मोर टर्म एंड हूज एक्सपोनेंट इज ऑलवेज नॉन निगेटिव होल नंबर्स. कहने का मतलब बेटा कि हमेशा जो भी एक्सपोनेंट होगा इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का, याद रखिएगा, तो हम क्लास नाइन्थ में केवल सिंगल वेरिएबल का पॉलिनोमियल पढ़ते हैं और उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स का जो पावर होगा हमेशा होल नंबर होगा, यानी कि वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा और उसका पावर कभी भी निगेटिव भी नहीं होगा. कहने का मतलब जैसे अगर मान लीजिए एक्स का पावर टू है तो ये पॉलिनोमियल है प्लस फाइव, ये पॉलिनोमियल है. लेकिन अगर कहा जाए एक्स का पावर माइनस टू प्लस फाइव, ये पॉलिनोमियल नहीं है. क्लियर? और अगर कहा जाए एक्स का पावर वन बाई टू प्लस फाइव, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसका पावर क्या है? इसका एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में है, इसका एक्सपोनेंट निगेटिव है, इसलिए ये दोनों क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है. लेकिन इसका एक्सपोनेंट क्या है? पॉजिटिव है और क्या है? होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है. अब कंडीशन आती है पॉलिनोमियल के लिए, और पार्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री. तो पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री, पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री. अब सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि डिग्री क्या होती है. तो पहले डिग्री बता दें. डिग्री हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री. एच ई आई जी एच एस हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स डिग्री. क्लियर? यही जो सबसे बड़ा पावर होगा. जैसे मान लीजिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर हमें दिया है, ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. अगर इसी में इक्वल लग जाए, इक्वल का साइन लग जाए और इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी कुछ हो जाए तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा. हालांकि हम पढ़ रहे हैं एक्सप्रेशन. तो पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां पर ए बी और सी क्या है? ए बी एंड सी आर रियल नंबर. यानी कि ये कुछ फिक्स नंबर होंगे लेकिन एक्स क्या है? वेरिएबल है. एक्स क्या है? वेरिएबल है. तो वेरिएबल में देखो सबसे बड़ी पावर क्या है? टू. यानी कि डिग्री इसकी क्या हो गई? टू.
तो डिग्री हो गई 2। क्लियर। तो जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल ऑफ एनी एक्सप्रेशन, ऑफ एनी एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इट्स अ डिग्री। समझ में आया। अब कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, तो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल बेटा वो होते हैं जिनकी डिग्री हमेशा जीरो होती है। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे यहां पर सी जो है ये कॉन्स्टेंट, यानी कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई रहेगी उसी को हम कॉन्स्टेंट कहते हैं। तो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल डिग्री ऑलवेज जीरो, हमेशा कॉन्स्टेंट। समझ में आ रहा है बच्चा? बेटा कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा जीरो होती है। क्लियर। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा जीरो होती है। अब बात करते हैं हम पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसकी पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां कंडीशन आती है पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल में बेटा हमारे पास डिग्री के अकॉर्डिंग, यहां पर लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि पॉलिनोमियल के कितने पार्ट होते हैं? तो अलग अलग पार्ट होते हैं। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्या लीनियर पॉलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, फिर क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, फिर क्या होता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे नाइन्थ में क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ही चलता है पॉलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के? जैसे ए एक्स प्लस बी, ये क्या है? ए क्या है? रियल नंबर। एक्स क्या है? वेरिएबल। बी क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट है, ये वेरिएबल है और ये रियल है। ऐसी कंडीशन में ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्या ए और बी दोनों रियल नंबर है? ए और बी क्या है? रियल नंबर। लेकिन सी क्या है? कॉन्स्टेंट है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, डी यहां क्या है? कॉन्स्टेंट है। ए बी और सी क्या है? रियल नंबर है और डी भी रियल नंबर ही है। कंडीशन अब यहां पर देखो डिग्री 3 है, यहां पर डिग्री 2 है, यहां डिग्री 1 है। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री कहलाता है। इसके बाद आता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मींस जिसमें डिग्री 4 हो। ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यहां पर आप देख रहे होंगे डिग्री 4 है वेरिएबल की। क्लियर। तो आज इतना। अब नेक्स्ट अगले वीडियो में और आगे इसके बाद क्या होगा फिर देखेंगे। थोड़ा सस्पेंस होना चाहिए। 15-10